हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसा आपको पता है, भारतीय रेलवे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नए नए ट्रेन्स को लॉन्च कर रहा है। वहीं अभी मैंने एक जस्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने सुपर एनाकोंडा नाम की एक रेल का जिक्र किया था जो 177 डिब्बों के साथ सक्सेसफुली रन हुई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल पेज पे इसके बारे में भी जिक्र किया है, तो हम आपको वो भी नोटिस दिखाने वाले हैं। लेकिन इस सक्सेसफुल ट्रेन के बाद भारतीय रेलवे ने फिर एक परीक्षण किया है। अब इस ट्रेन का नाम जो रखा गया है वो शेषनाग रखा गया है, लेकिन इसकी लंबाई उसकी तुलना में काफ़ी अधिक लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर के आसपास यानी कि 2.8 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम शेषनाग रखा गया है। इसमें 251 डिब्बे हैं। इस ट्रेन में 9 इंजन और 4 वैगन गार्ड लगाए गए हैं और यह पूरा इलेक्ट्रिफाइड है जो कि 4 लोकोमोटिव्स के सेट पर काम करता है। ये परीक्षण SECR नागपुर डिवीजन के द्वारा किया गया है और सक्सेसफुली ये कंप्लीट भी हो गया है और जल्द ही ये ट्रेन अपने काम में लग जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने ऑफिशियल पेज पे लिखा है, इंडियन रेलवे ब्रेक्स अनदर रिकॉर्ड। अगर सिंपल भाषा में इसको मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो रेलवे ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है जो लॉन्ग शेषनाग द्वारा चलाया जाएगा, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर की लंबाई होगी, जो 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है जो इलेक्ट्रिक इंजनों के 4 सेटों द्वारा चलाई जाएगी। मतलब इसमें 4 लोकोमोटिव्स लगाए जाएंगे, वो भी पूरे इलेक्ट्रिफाइड। और यह ट्रेन कम से कम 3 किलोमीटर लंबी है। एवरेज अगर मान के चले तो 2.8 किलोमीटर की होगी ये ट्रेन और इसका भी ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके लिए चैनल पर रेगुलर डालते रहते हैं। और आपको अगर पूरे ट्रेन का वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पूरे ट्रेन का वीडियो देख सकते हैं।